तेज आओ सदगुरु महाराज विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। यतो वरदो भवतु तत्स श्री सद्गुरुदेवता अर्पणमस्तु। आ गोपजलललव नेत्रयोर्जलस्पर्शः केशवनारायणमाधव गोविन्दो केशवनारायणमाधव गोविन्दो। राजकी परम पूज्य सद्गुरुदेव की पूजा। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धं उपटकत्रयं पदिकं द्रविक्रमण्डलं वीनानश्चुति शिष्णुमुखं वीरावली पंचकं श्रीमन्मारिणि मंत्रासहितं वंदे गुरुर्मंडलम्। हम आज के दिन गुरुमंडल को प्रणाम करते हैं। जो ब्रह्मांड में जितने भी गुरु हुए हैं है उन सभी को प्रणाम करते हुए आज इस क्षेत्र में जो महामाया शक्ति सिद्ध शक्तिपीठ है वहां हम यह दिव्य दिवस जिसे गुरुपाद का सिद्धि दिवस कहा जाता है ऐसे दिवस के दिन हम एक गुरुपादुकाओं की पूजा कर वह सिद्धि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा कहा गया है। गुरुजी ने अपनी विशिष्ट दुर्लभ सिद्धिया में इस गुरुपादुका सिद्धि दिवस के बारे में यह कहा गया कि यह गुरु पूर्णिमा से भी श्रेष्ठ है। इस दिवस के दिन जो अपने गुरुपादुकाओं पर नतमस्तक होकर विशेष विधि विधान के साथ उसका मंत्र और पूजन करता है वो गुरु कृपा को प्राप्त करता है। इस बारे में हमें एक कथानक कहा गया है कि जब प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति का उद्भव हुआ ब्रह्मा ने कहा कि मुझे सृष्टि करने के लिए कुछ सुधर नहीं रहा है मुझे क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी गुरु का आश्रय ले लो तब तुम्हें तुम्हारा उसका ज्ञान होगा और तुम सृष्टि की रचना कर सकोगे। तो सृष्टि की रचना करने के लिए कोई ना कोई तो शक्ति चाहिए। तब सुयशा नाम की एक दिव्य कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और उन्हें कहा कि इस संसार में सभी को कोई ना कोई मार्गदर्शन मिले क्योंकि जब संसार में आता है तो उसको हर वृक्ष पानी जल थल जो भी हमारे पंच महाभूत है उन महाभूतों का ज्ञान नहीं होता जिस महाभूतों से हम बने हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने भगवान शिवजी की आराधना की जो आदि गुरु कहलाए जाते हैं जिनके गुरु विष्णु है और विष्णु के गुरु शिव है ऐसा कहा जाता है और इन दोनों को भी मानने वाले ब्रह्मा जी कहे गए हैं इसीलिए हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा ऐसा कहते हैं। तो उस प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि मार्गदर्शन करने वाला कोई ऐसा एक मुझे दिव्य पुत्र दे दो प्रभु जो आपके गणों में स्थापित हो और किसी साधना से श्रेष्ठ कहलाया जाए ऐसा उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। उनके बहुत हजार वर्ष के बाद जब उनकी तपस्या सफलीकृत हुई थी शिवजी ने कहा कि हाँ तुम्हें मैं एक दिव्य पुत्र को प्रदान करता हूं वह इस गुरु परंपरा को इस संसार में रखेगा और मेरा प्रियतम होगा। उस प्रजापति को जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो धीमा धीमा बढ़ता गया तो उनके पिताजी प्रजापति ने कहा कि तेरा जन्म शिवजी को गुरु मानकर आगे चलने के लिए हुआ है शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए हुआ है तो तुझे शिवजी का जप करना है। उसने शिवजी का जप आरंभ किया। जब उसका 1 करोड़ जप पूर्ण हुआ तो शिवजी प्रत्यक्ष हुए और कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो बोले प्रभु मैं तुम्हें तुमसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं और 1 करोड़ जप करूं। शिवजी हंसे बोले हां तथास्तु। फिर 1 करोड़ जप हुआ। बाद में फिर शिवजी प्रत्यक्ष हुए बोल तुझे क्या चाहिए मैं प्रत्यक्ष हुआ। उसने कहा प्रभु मुझे और 1 करोड़ जप करने की इच्छा है लालसा है मुझे आशीर्वाद दो कि मैं और 1 करोड़ शिवजी का आपका मंत्र जप करूं।
फिर भी शिवजी ने तथास्तु कहा। जब शिवजी इसी प्रकार तथास्तु कहने लगे तो तीसरा करोड़ जब पूर्ण हुआ तो उसने फिर कहा कि प्रभु मैं और एक करोड़ जब करना चाहता हूं। तब शिवजी ने कहा अब बस हो गया, क्या तू मुझे अपने में समाहित करना चाहता है? मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू मेरे साथ रह जा और मेरे गणों में तू श्रेष्ठ गण कहा जाएगा, मेरे जो गणों में तेरी श्रेष्ठ पदवी होगी। और यह बात कहता हूं कि तेरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे कभी बिछड़ कर नहीं रहूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपसे बिछड़ू नहीं। शिवजी ने कहा कि तू बिछड़ के नहीं रहेगा और कभी भी मेरे पास ही रहेगा, इसलिए तुझे मैं मेरे गणों में शामिल करते हुए मेरा वाहन बना रहा हूं। और उसे नंदी कहा गया, जो आनंद हम कहते हैं उस नंदी के रूप में, उन प्रजापति उस प्रजापति के पुत्र के रूप में नंदी का आविर्भाव हुआ। और नंदी ने उस दिन कहा कि प्रभु आज से बताओ कि मैं आपकी सेवा किस तरह कर सकूं। शिवजी ने उस दिन उनको कहा कि मैं तुझे मेरे पादुकाओं की पूजन, मेरे चरणों को देखते हुए तू अगर बैठ सकता है तो मैं तुझे वो साधना प्रदान करता हूं। और आदि गुरु शिवजी ने नंदी को यह साधना आज के दिन ही प्रदान की थी। इसके बाद अत्रि महर्षि के पुत्र दत्तात्रेय जी हुए। दत्तात्रेय जी महान तपस्वी थे, विष्णु के अंश थे और गुरु में गुरु आदिगुरु कहलाने के लायक थे, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने के बाद इन्हें आदिगुरु के रूप में भी कहा गया है। उनके जीवन में एक शिष्य हुआ जिसका नाम था कार्तिक वीर्यार्जुन। वो कृतवीर्य का पुत्र था और अपने गुरु की इतनी सेवा मन से करता था कि उसकी सेवा से दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न थे। कहते हैं कि वो एक बार दत्तात्रेय जी को उनके गोद में बैठे बैठे नींद लगे, गोद में सर रखकर सो रहे थे, नींद लग गई और किसी सांप ने आकर उनको काट लिया। तो उन्होंने उठ तक नहीं खा, इसलिए कि कहीं मेरे गुरु जी का नींद खराब ना हो जाए, उठ ना जाए। और वो वैसे ही बैठे रह गए, उनके शरीर में विष व्याप्त होने लगा। तो वे वैसे ही बिना कराह करते हुए वहीं खड़े रहे। ये बात दत्तात्रेय जी की समझ में आ गया और दत्तात्रेय जी उठे, बोले आज तक मैंने तेरे जैसा शिष्य नहीं देखा, आज से तुझे कोई भी विष तेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। यह बात कार्तिक वीर्यार्जुन को उन्होंने कही। कार्तिक वीर्यार्जुन ने इस के बाद उन्होंने कहा कि हे कार्तिक वीर्यार्जुन, मैं तेरे शिष्य की सेवा से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुझे सारा सामर्थ्य प्रदान करता हूं, तू संसार में कहीं भी जा विजयी होगा। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे विजयी होना या कहीं पर जाने के लिए कभी मत कहो, मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं, बस ये आशीर्वाद दो कि मैं आपके चरणों में नित्य निरंतर आपके चरणों की सेवा करते रहूं और आपके चरणों की धूल का तिलक करते रहूं और आपकी सेवा करते रहूं, मुझे कहीं दूर जाने की बात मत करो। लेकिन दत्तात्रेय जी ने कहा कि अगर मैं एक सामर्थ्यवान शिष्य को बनाता हूं तो इसका अर्थ यह है कि वो लोग कल्याण के लिए काम आए, तेरा यह कहना ठीक नहीं है कि तू मेरे पास ही रहेगा। उसने कहा आप कुछ भी करो, आप जो भी काम मुझे सौंपेंगे उसमें मैं मेरे गुरुचरणों से दूर नहीं हो सकूं, ऐसा आप कुछ भी मुझे आशीर्वाद दो, बाद में भी जो काम बोलना है आप बोलो। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि कार्तिक वीर्यार्जुन कौन थे। कार्तिक वीर्यार्जुन को भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो है वह अवतार कहा जाता है। एक बार ब्रह्मा विष्णु जी सोए हुए थे, लक्ष्मी पांव दबा रही थी, तो नारद जी जैसे ही आए और विष्णु की प्रशंसा करने लगे कि प्रभु आपने कितने राक्षसों को मारा है, कितनी श्रेष्ठता है आपकी, कितनी दिव्यता है। तो जो सुदर्शन चक्र विष्णु जी के हाथ में था उसने कहा वाह नारद महर्षि, कभी भी आते हो विष्णु जी की प्रशंसा करते हो, उन्होंने किसी को भी उन्होंने मारा है या कुछ भी किया है तो उसमें हमारा भी तो थोड़ा योगदान है, आप कभी हमारी प्रशंसा नहीं करते, आप कभी हमारे लिए तो देखा करो। जब विष्णु को लगा कि हाँ इसे गर्व हो गया है कि वो चाहता है कि मेरे बिना, सुदर्शन चक्र के बिना भगवान विष्णु किसी राक्षस को मार नहीं सकते, तो नारद को विष्णु कहते हैं कि वो जो कहता है वो सच्ची है ना नारद, तो कभी सुदर्शन चक्र की प्रशंसा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अन्याय कर रहा हूं मेरे सुदर्शन चक्र के प्रति,
तो हे सुदर्शन, मैं तुझे संसार में जन्म लेने के लिए भेजता हूं, कुछ वर्षों के लिए, कुछ सहस्त्र वर्षों के लिए तू जा और पृथ्वी पर राज्य कर, ऐश कर, तू जैसा चाहता है वैसा जीवन जी, मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सुदर्शन खुश हो गया कि सभी लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा करते, मैं जब राजा होऊंगा तो मेरी भी प्रशंसा करेंगे, मैं भी राजा बन जाऊंगा। और कार्तिकवीर्यार्जुन के रूप में उन्होंने कृतवीर नाम के राजा को पुत्र के रूप में पैदा हुआ। और जब उन्होंने पैदा हुए तो उन्होंने दत्तात्रेय जी को गुरु मानकर सेवा आरंभ कर दी। ये एक बात। ये कार्तिकवीर्यार्जुन ही जब सेवा करने लगे तो दत्तात्रेय जी उनको उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे कार्तिकवीर्यार्जुन, तू बार बार ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये विधान नहीं है। मैं तुझे जब सामर्थ्यवान बनाता हूं तो तुझे लोक कल्याण करना ही है, और उस लोक कल्याण के लिए मैं तुझे मार्ग बताता हूं, तुझे वो करना है। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये बात बताओ कि मुझे एक दिन भी बिना आपके दर्शन के नहीं रह सकता हूं, तो मैं ये आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। हर दिन आपका दर्शन मुझे होना ही चाहिए, इसके बारे में बताओ। तब प्रथम बार भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये ले, यह जो मेरे पादुका है जो हर जगह घूमती है, इन पादुकाओं को मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं, और इनमें 16 कलाएं रखकर मैं इन पादुकाओं को तुझे देता हूं। जिस दिन सुबह रोज मैं जो मंत्र बोलता हूं 11 बार बोलकर भी इस पादुका को सिद्ध करके तेरे राज्य में स्थापन करूंगा, और जब इसके ऊपर सर रखेगा मेरा दर्शन तुझे होगा, नित्य तुझे दर्शन होगा। जो इस गुरु पादुकाओं को विशेष सिद्धि के साथ अपने घर में स्थापन करते हैं उनके उनको दर्शन दूंगा। ऐसा दत्तात्रेय जी ने कार्तिकवीर्यार्जुन को आशीर्वाद दिया। वह दिन आज का दिन ही है, मार्ग शुद्ध शुक्ल पक्ष की द्वितीया, यही बात गुरु जी करते हैं। और उनको कहते हुए उन्होंने कहा कि सारे संसार के तीर्थ जाकर समुद्र में मिलते हैं, जैसे गंगा यमुना वगैरह सारी चीजें जाकर सागर में मिलती हैं, और वो सागर, सारे तीर्थों का समाया हुआ सागर गुरु के चरणों के दाहिने अंगूठे में निवास करता है। इसलिए सारे तीर्थ गुरु के चरणों की दक्षिण अंगूठे में रहते हैं, और जो उस के तीर्थों का उनके दक्षिण अंगूठे का तीर्थ ग्रहण करता है वह सारे तीर्थों का प्रसाद, सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त करता है। यह बात दत्तात्रेय जी कार्तिकवीर्यार्जुन को समझा रहे थे, और कार्तिकवीर्यार्जुन को इसी दिन उन्होंने पादुकाओं की पूजा किस तरह करनी चाहिए और अपने गुरु को किस तरह घर में स्थापन करना चाहिए, स्थापन करने के बाद उसकी पूजा करने के बाद रोज हम अगर एक माला मंत्र जप करते हैं तो हमारे घर में, हमारे घर में गुरु का निवास हो, और गुरु हमें हर क्षण जब भी हम प्रार्थना करें हमारी रक्षा करें, इस विधान को उन्होंने उनको समझाया। और कार्तिकवीर्यार्जुन ने कहा, प्रभु पहले आप गुरु हैं, मैं उस पादुका सिद्धि दिवस का आज पादुका के दिन मैं उस पूजन को करता हूं। और भगवान दत्तात्रेय ने उस दिन कार्तिकवीर्यार्जुन को वो पूजन करवाया, जिसे पादुकाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, जिन पादुकाओं को आज के दिन कोई भी सिद्ध करके अपने घर में स्थापन करता है उसके घर में गुरु का वास होता है, और जो गुरु के चरणों में नमस्कार करता है, गुरु के चरणों में एक विशेष मंत्र से उसको नमस्कार करता है, उसके घर में जब गुरु पादुका हो और गुरु प्रत्यक्ष हो तो उसके घर में किस प्रकार की कमी होती है, चाहे वो दश महाविद्या साधना करो या किसी भी साधना करो, गुरु का उसके ऊपर गुरु की कृपा होती ही होती है। मैं आज आपके सामने जो बैठा हूं अपने आप को गुरु तो नहीं कहता, मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के का शिष्य हूं, और शिष्य के रूप में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मुझे उनकी स्वयं की पादुका पानीपत के गुरु पूर्णिमा में मुझे दी थी, और आज 30 साल से मैं गुरु पादुका सिद्धि दिवस मनाता हूं निखिल चेतना केंद्र में। आपके सामने जो बैठा हुआ हूं उन वो पादुकाएं मेरे घर में आज भी प्रतिष्ठित है। गुरु जी ने कहा था कि इन पादुकाओं को तो सर में रख, सर पर रख के हैदराबाद जाना, और तू इस पादुकाओं को घर में स्थापित करना। जिस दिन से गुरु पादुकाओं को घर में स्थापित किया हूं आज तो मैं कहता हूं आज निखिल चेतना केंद्र की स्थापना हुई। मेरा केवल निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करने का उद्देश्य यह नहीं था कि मैं गुरु बनूं, मेरा उद्देश्य यह था कि वह गरीब साधक, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूं और घर में छोटे छोटे घर में हमें साधनाएं संपन्न करना होता नहीं, तब साधक को एक ऐसी जगह चाहिए। आज हम जंगल में जाते हैं तो लोग तांत्रिक नाम से बुलाते हैं, हम कहीं नदी के किनारे करते हैं तो ये मांत्रिक है कहते हैं, मंदिर में जाके बैठते हैं तो मंदिर में हकाल देते हैं कि मंदिर का समय हो गया और चले जाओ, घर में साधना करते हैं तो बच्चे, पति पत्नी,
भाई पिता माता उनका भी विरोध चलते रहता है कि वो साधना ठीक तरीके से कर ही नहीं सकता, तब उसके लिए कोई ना कोई ऐसा स्थल हो जो वहां साधना कर सके, उसको किसी प्रकार की अड़चन ना हो, ऐसा स्थल होना चाहिए। इसलिए मैंने गुरु चरणों में प्रार्थना की थी जब गुरु जी हैदराबाद आए थे कि गुरु जी मैं एक साधना स्थल बांधना चाहता हूँ जिसमें कोई भी साधक किसी प्रकार की भी साधना कर सके, ऐसा साधना स्थल हो। और गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था, उसी का प्रतिरूप है ये जो आपने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। वहां कोई भी साधक कभी भी किसी प्रकार की, आप एक बार निखिल चेतना केंद्र में प्रवेश कर गए, आपको खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं, केवल आप आकर साधना कर लेकर जा सकते हैं, चाहे 5 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, साल हो, आप साधना करके जा सकते। जो साधक है, साधना के लिए ही मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की है, या गुरु बनने के लिए नहीं, ना कोई गुरुपद प्राप्त करने के लिए नहीं। इस उद्देश्य से स्थापना करते हुए मैंने जो गुरु पादुकाओं की पूजा की है, उसके बाद मैंने दशमहा विद्याओं की साधना की, बहुत सारी साधनाएं संपन्न की, आज भी करता हूं। और मैं आपको इतना जरूर वादा करता हूं कि उन पादुकाओं की पूजन से जब पादुकाओं पर मेरा सर रखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु मेरे सामने खड़े हुए हैं। और मैं गुरु से आशीर्वाद मांगता हूं कि जितने भी लोग आश्रम आए, आश्रम को आते हैं या आते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण करो प्रभु। वो किस साधना के लिए यहाँ आते हैं या जो साधना करना चाहते हैं, उनकी साधनाओं की, उनको साधनाओं की सिद्धि प्रदान करो। कम से कम उनके जीवन में ऐसा तो कार्य करो कि उनके जीवन में कोई दुख ना हो। मैंने आज भी आपको ये बात कहता हूँ, निखिल चेतना केंद्र स्थापन करके आज 22-23 साल हो गए। 23 सालों में भी गुरुजी की कृपा से सब साधक आए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बहुत ही बीमार हो गया, बहुत ही कारण, किसी कारणवश उसने अपने प्राण त्याग दिए या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरी कल की अमावस्या के दिन जो ग्रहण की साधना हुई थी, उस साधना में अचानक किसी को न पहचानते हुए, रात के उस दिन अमावस्या थी, सूर्य ग्रहण था, और एक लड़का जो मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो परिवार में मुझसे बहुत प्रेम करता था, वो पानी में डूबकर चला गया। मैंने गुरु से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हुआ? तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा कि वह चाहता था कि मैं गुरु चरणों में अपने प्राण को त्याग दूं, क्योंकि उसके घर में हर दिन पिता से झगड़ा होता था। बाद में वो काम ऐसा हुआ कि गुरु कृपा से उस सारी चीजों को हुआ। मैं आज तक 22 साल में भी कहता हूं, केवल जितने भी साधक आए, कोई ऐसा साधक रोते हुए नहीं गया कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कहते हुए कोई साधक आज तक नहीं गया। और यह केवल गुरु कृपा है। हम घर में बैठते हैं तो कि चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हम घर में बैठते हैं तो हमारे वहां आने के बाद सारे लोग चिंताएं छोड़ते हैं। और आज 22 साल में गुरु जी के बारे में तो मैं कहता हूं, जहां गुरुपाद का स्थापन हुई, एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जहां गुरु मंत्र रोज नित्य न होता होगा। कम से कम कुछ भी हो, 50-51 माला गुरु मंत्र जब नित्य गुरु निखिल चेतना केंद्र में होता ही है, और वह गुरु मंत्र ही आज निखिल चेतना केंद्र को चला रहा है। नित्य वहां साधक आकर अपने अपने हिसाब से 10 आओ 15 आओ, कोई 51 माला करता है, कोई 100 माला करता है, कोई 1000 माला करता है, और वह गुरु मंत्र निखिल चेतना केंद्र को चैतन्यवान बनाए हुए है। और इसकी महिमा केवल गुरु पादुकाओं से और गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। जिस घर में गुरु पादुकाएं स्थापन हुई, आज के दिन सिद्ध करके जिसने अपने घर में गुरु पादुकाओं की स्थापना किया, वही संसार में अपने गुरु को घर में स्थापन करने वाला कहलाएगा। क्योंकि हम साक्षात शरीर गुरु को स्थापन करके हम नहीं देख सकते, लेकिन गुरु पादुकाओं को जैसे भगवान दत्तात्रेय ने कहा था, वैसे ही हम अपने गुरु पादुकाओं को घर में रखकर गुरु जी का साक्षात अनुभव हमारे घर में कर सकते हैं। यह पहले दिन मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान दत्तात्रेय ने अपनी पादुकाओं को देकर कार्तिक वीर्यार्जुन को गुरु पादुकाओं का महत्व बतलाया था और कहा था कि जो इस मंत्र को आज के दिन करके गुरु पादुका का स्थापन करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। और वह जो भी साधना करता है उसमें सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती है। जिसके घर में गुरु पादुकाएं हों, हम देखते हैं हर एक के घर में, मेरे पास बहुत समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, गुरु जी हमारे घर में पत्नी बात नहीं सुनती, पत्नी छोड़ के जाती है, पति पिता है, घर में बच्चा नहीं सुनता, बच्चों को नौकरी नहीं लगी, धन नहीं, अभाव है, वो है। लेकिन इन सभी के होते हुए भी अगर एक संसार सुखमय हो, प्रेममय हो, पति पत्नी प्रेम के साथ रहते हो, बच्चे प्रेम के साथ, घर में आने के बाद से घर में रहने की इच्छा हो, ऐसा तभी हो सकता है जिस घर में गुरु पादुकाएं स्थापित हो।
आज मेरा घर भी है, मेरा घर में मैं छह भाइयों के साथ, उनके पत्नी बच्चों के साथ मैं रहता हूँ। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, उन गुरुपादुकाओं की स्थापना होने के बाद मेरे घर से कोई ऐसा दुखी व्यक्ति कहीं नहीं लगता, हम सब आनंद के साथ रहते हैं। और ये केवल महिमा है तो गुरुपादुकाओं की महिमा है। और जिस गुरुपादुकाओं के कारण मैंने घर स्थापित किया है, हमारे घर में मन मुटाव नहीं होता, होता ही तो क्षण भर के लिए होता है, लेकिन फिर सब लोग मिलकर आनंद के साथ खाना खाते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। और यह गुरुपादुकाओं की श्रेष्ठता है। आज इस महामाया मंदिर के क्षेत्र में हम आए हैं, इस क्षेत्र की यहाँ शिविर करने की का श्रेय मैं दिनेश दीवान को देता हूं, जो अपने बलबूते पर, मैंने उनको एक बार कहते कहते कहा था शिविर करना है तो अपने बलबूते पर करो, किसी के ऊपर आधारित होकर मत करो। और उन्होंने आज ये इतिहास रचा है कि उनको अपने बलबूते पर उन्होंने शिविर किया है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे वे शिविर और भी करें और उनको इससे भी ज्यादा धन ऐश्वर्य आरोग्य उनके सारे परिवार को, उनके भाई बंधुओं को, माता पिता को, ये सारी चीजें प्राप्त हो। उनका यह कार्य, उनके परिवारजनों को, जो भी उनको इसमें सहायता किए, उन सभी को भी यह महामाया का क्षेत्र, उन्हें महामाया उन पर कृपा करें। मैं यहाँ के बहुत सारे साधकों को, यहाँ बहुत सारे लोगों को, इवन दीवान को भी पूछा हूं कि ये महामाया की क्षेत्र की महिमा क्या है, तो सभी लोगों ने यही कह के सुनाया मेरे को कि गुरुजी महामाया थी, यहाँ का राजा था, उस राजा के सपने में आई और वो जंगल में थी और महामाया ने उनको कहा कि मेरा मंदिर बनवा, मैं यहां हूं। और राजा ने उस महामाया के विग्रह को बाहर निकाला और यह मंदिर बांध दिया। लेकिन उससे पूर्व क्या हुआ, कैसे महामाया यहाँ जमीन में आई, इसके बारे में वो बताने के लिए कोई सभी को पूछ के देखाऊं कि इस क्षेत्र की महिमा क्या है। तो अब आगे इस महिमा की क्षेत्र का मैं आपको इसके बारे में बतलाता हूं, जो भागवत में और देवी भागवत में, पद्म पुराण में इसकी एक छोटी सी कहानी आती है। अम्बरीश नाम के एक राजा हुए, जो आज के महाराष्ट्र बारसी नाम के तालुके में रहते, वहां राजा थे हुए। और अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत किया करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट एकादशी करते थे। 12 बजने से पहले द्वादशी के दिन अपन खाना खाकर एकादशी का पूर्ण उपवास करते, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपना दिनचर्या हर महीने की एकादशी किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि अत्रि महर्षि के पुत्र दुर्वासा महर्षि उनके घर आए, जब वो एकादशी का व्रत कर रहे थे। दूसरे दिन द्वादशी थी, तो अपने घर में अतिथि आया है तो अतिथि को बिना भोजन के हम भोजन कर लेना ठीक नहीं। यह जानकर दुर्वासा महामुनि ने कहा कि आज द्वादशी है, मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा, मैं अभी तीर्थ स्थान पे जाकर संध्या वंदन आदि करते हुए मेरे रोज नित्य का अनुष्ठान करके मैं यहाँ आता हूँ, तब तक तू सब शीघ्र ही सब करके रखना, खाने की तैयारी करके रखना, मैं खाना खाने के लिए आता हूँ। बाप बिचारी अम्बरीश महर्षि जो एकादशी के उत्तम व्रती थे, और एकादशी में कहा जाता है कि द्वादशी के दिन मध्याह्न 12 बजे से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, तभी एकादशी का फल मिलता है। अब देख ये रहे थे कि 12 बजने को आ रहे हैं, एक 10 पल का समय है और दुर्वासा महामुनि नहीं आए। अतिथि की बिना पूजा के अगर हम खाना खाते हैं तो वह पाप लगता है, और अतिथि का और नहीं पूजा करते हैं तो द्वादशी जारी है, एकादशी का फल चले जाता है, अब क्या करें। तो उन्हें उस 5-10 पल थे तो उसमें उन्होंने ठीक है खाना खाया या न खाया इसके लिए कुछ ये नहीं होता, आज तुलसी के पान पर पत्ता रखकर पानी पी लेता हूं, जो द्वादशी छोड़ने का भी व्रत होता है वैसे ही वैसे द्वादशी करने का भी व्रत होता है। तो उन्होंने जैसा ही तुलसी का पानी डाला और पानी पिए, दुर्वासा महामुनि आ गए, बोले तू क्या कर रहा है। उसने कहा स्वामी जी 12 बज रहे थे और द्वादशी आपको पता है, अगर उससे पहले द्वादशी छोड़ देते हैं द्वादशी चली जाएगी, इसलिए केवल जल पिया हूं। तू अतिथि के रहने के बाद, मेरे आने के बाद भी तूने ये बात कही कि तू द्वादशी छोड़ता है, तो अतिथि का तिरस्कार करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं। डर गए अम्बरीश महामुनि, उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ, मैं तो केवल पानी ही पी रहा था, उन्होंने ऐसा क्या किया कि मेरे ऊपर श्राप देने के लिए भागते हुए आए।
और दुर्वासा ने कहा आज देखता हूं तुझे कौन रक्षा करता है। और उन्होंने अपने बल से महामाया का आह्वान किया और उनको उनके ऊपर छोड़ दिया। अम्बरीश देख तेरा तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। अम्बरीश ऋषि अपने भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए भाग रहे थे और वो महामाया उनके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन भगवान विष्णु जैसे ही सामने आए और अम्बरीश को भागते हुए देखे तो उन्होंने अम्बरीश को कहा तू रुक जा। और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा छोड़कर कहा महामाया पीछे आ रही थी उसने देखा। तब सुदर्शन चक्र पूछते हैं हे माँ तुम बताओ दुर्वासा महाम ने तो श्राप दे दिया और तुम उसके पीछे अम्बरीश के पीछे उसकी गलती क्या थी? क्या द्वादशी का व्रत तोड़ना पानी पीना गलत है? क्या तुम उसे मारने जाओगे? दुर्वासा का श्राप ठीक है? तो महामाया विचार में पड़ गई। उन्होंने कहा उसने से छोड़ा है मुझे क्या करना है? तो यहां जो जंगल है वृक्ष है तुम तुम्हारा प्रताप उस पर बता दो मैं दुर्वासा को देख लेता हूं। तब महामाया ने कहा कि हाँ मैं इस जंगल को पूर्ण जलाकर मैं यहां स्थापित हो जाती हूं। और वो भूमि स्थापित हो गई और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा महामुनि के पीछे पड़ा। दुर्वासा महामुनि भागते भागते गए सारी जगह कहीं भी गए उनको कोई श्राप विमोचन नहीं मिला। तब विष्णु ने कहा कि तुझे अगर श्राप विमोचन करना है तो अम्बरीश राजा के पास ही जाना होगा। दुर्वासा महामुनि भागते हुए अम्बरीश महाराज के पास आए और कहा मुझे गलती हो गई मेरी क्षमा कर दो तू सुदर्शन चक्र को लोग नहीं तो वो मुझे जला देगा वो मुझे खत्म कर देगा। अम्बरीश ने प्रार्थना करी महाराज आप मेरे अतिथि है मैं सिर्फ भगवान विष्णु से एकादशी का व्रत के लिए मांग रहा था मुझे आपको मारने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और कहा कि हे सुदर्शन चक्र आप मेरे लिए महर्षि दुर्वासा को छोड़ दो। और महर्षि दुर्वासा सुदर्शन चक्र वहीं जल का कुंड निर्माण हुआ और उसमें जल में सुदर्शन चक्र स्थापित है। आज भी अगर कभी आप वाराणसी जाते हैं तो वहां भगवान भगवंत विष्णु का मंदिर है और सुदर्शन चक्र पानी में आज भी घूमते रहता है उस जल में। तो वह जो महामाया शक्ति थी जिसने जो दुर्वासा महामुनि छोड़ी थी वह आज इस जंगल में यहाँ जो भूमि में स्थापित हो गई। जब तक महामाया का मंदिर जमीन में था यहाँ की स्त्रियों पर बलात्कार आक्रांताओं का बहुत ही उनके पुरुषों पर बहुत प्रकार का आक्रमण था उनको मार देते थे और यहाँ की स्त्रियां सती जाती थी। बहुत सारी स्त्रियां सती जाती रहेंगी। तो यहाँ के राजा जो रतनपुर के थे उन्होंने प्रार्थना की कि माँ ये कब इन स्त्रियों का यह जो कष्ट पहुंचा रहे हैं ये जो सती जा रही है इनकी रक्षा कैसे होगी? तब महामाया ने कहा कि मैं यहां भूमि में स्थापित हूं अगर तू ऊपर निकालता है तो इसके बाद कोई स्त्री सती नहीं जाएगी और मुझे मैं तेरी शक्ति बनकर उभरूंगी तू यहां मुझसे बाहर निकाल और मेरा मंदिर बांध। इस प्रकार महामाया जो उस समय दुर्वासा महामुनि की छोड़ी हुई थी उस भूमि में थी और उस राजा ने उस महामाया के मंदिर को उत्थान किया और उन्होंने देखा और यहाँ महामाया मंदिर का मंदिर की स्थापना हुई। उस महामाया मंदिर की स्थापना होने के बाद जैसे देवी भागवत में कहा गया है वह तीनों शक्तियों से संपन्न थी महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली। आज आप देखते हैं महालक्ष्मी महासरस्वती और भद्रकाली के रूप में यहाँ तीनों शक्तियों में महामाया के रूप में यहाँ स्थापित है और इनकी आराधना सब लोग यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए या नवारणो मंत्र करते हुए इसकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या महामाया मंत्र का ऐसे दुर्वासा महामुनि ने जो महामाया को छोड़ा था क्या वो नवारणो मंत्र था? क्या महामाया की स्थापना की थी वो कौन सा मंत्र था जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ की यह महामाया मंदिर दिव्यता के साथ है और यहाँ ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको जिससे महामाया प्रसन्न हो सकती है? छत्तीसगढ़ के राजा को भी यह बात आई तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यह सब कैसा होगा। तब उन्होंने कहा कि देवी भागवत में या अपने महाभागवत श्रीमद भागवत में कहा गया है कि जब कृष्ण मथुरा में रहकर जरासंध आदि राक्षसों के साथ बहुत परेशान हो गए थे वो लोग रोज रात में माया से आकर मारते थे तो बलराम और श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि यह सब कैसा होगा मेरे राज्यों में अकारण हमारे दोनों के कारण यहाँ की जनता मर रही है। तब उन्होंने महामाया की प्रार्थना की
तब महामाया ने कहा, कृष्ण मैं यहाँ जमीन में गड़ी हुई हूँ, तू अगर छत्तीसगढ़ के यहाँ, तू इस कलयुग में जगन्नाथ रूप में जब लेगा, जगन्नाथ रूप में अवतार करेगा, तब अगर तू यहाँ आता है तो मैं यहाँ तुझे उस सिद्धि को प्रदान करती हूँ जो सिद्धि प्रदान की है। तब श्री कृष्ण भगवान ने महामाया की स्थापना महामाया की और अपने गुरु सांदीपनी महामुनि, जो अमरकंटक के पास जिनका आश्रम है, कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि है जिनका आश्रम अमरकंटक के पास है, उस सांदीपनी महामुनि को उन्होंने पूछा कि इस महामाया क्षेत्र को किस प्रकार करने से एक उज्ज्वलता श्रेष्ठता आएगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह बहुत रहस्य की बात है, किसी को बताना नहीं। जो महामाया का यंत्र यहाँ के लोग उस महामाया के विशिष्ट मंत्र के साथ पूजा करते हैं या जो स्त्री पूजा करती हैं वह सौभाग्यवती ही जाएगी, उसको कभी असौभाग्य या वैधव्य नहीं प्राप्त होगा, और उसके साथ उसका पति सुख के साथ जीवन करेगा, उसका घर में सारे सुख प्रदान होंगे। तब कृष्ण ने महामाया का आह्वान किया और कहा, महामाया मैं चाहता हूं कि मथुरा के लोग ये जरासंध आदि राक्षसों के साथ रोज पीड़ा प्राप्त करते हैं और हमारे कारण इनको पीड़ा होती है, आप कुछ न कुछ करके इनकी रक्षा करो। तब महामाया ने कहा, मैं जो तुझे यंत्र देती हूँ उस यंत्र से और तू उस मंत्र का तू एक दिन रात में तू और बलराम दोनों जप करो, मैं तुम्हारे सभी लोगों की रक्षा करूंगा। कृष्ण और बलराम जी ने उस यंत्र को रखकर महामाया का मंत्र किया। महामाया का मंत्र करने के बाद उन्होंने महामाया से प्रार्थना की कि माँ हमारी रक्षा करो। तो मय नाम का एक राक्षस था जो राक्षसों का शिल्पकार का, जैसे हम विश्वकर्मा कहते हैं देवताओं के शिल्पकार है, वैसे राक्षसों में भी शिल्पकार था जिसका नाम था मय। माँ महामाया ने मय से कहा कि मेरा कृष्ण मेरी भक्ति कर रहा है, वो महामाया का मंत्र जप कर रहा है, उसकी यंत्र की स्थापना है, उसके पास से वो यंत्र लेकर तू आकाश में उड़ जा और जहां कृष्ण के लिए ऐसा गांव बसा दे, ऐसा शहर बसा दे, ऐसा नगर बसा दे जहां कोई राक्षस आ नहीं सकता, जहां मेरा यंत्र है वहां राक्षस का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसी जगह तू बसा दे। उस मय ने उस श्री कृष्ण और बलराम की स्थापना की, उस यंत्र को हाथ में लिया और वे जैसे ही आकाश में उड़े उन्होंने वहां से देखा कि द्वारका ही एक ऐसी चीज है जो समुद्र से घिरी हुई है और समुद्र के बीच टीले में उन्होंने द्वारकाधीश का उस शहर उस नगर को स्थापन किया एक ही रात में स्थापना किया। तब कृष्ण जब प्रार्थना कर रहे थे तो महामाया ने कहा, हे कृष्ण तू बोल कि तेरे शहर में, तेरे नगर में, मथुरा में जितने भी लोग हैं उन गोपिकाओं को, उन सभी को बोल कि महामाया का मंत्र कर, जो महामाया का मंत्र करेगा वह कल सुबह तक सुरक्षित हो जाएगा। सब लोगों को आश्चर्य लगा कैसे सुरक्षित होगा, और उन्होंने उस रात में उस महामाया के मंत्र का उच्चारण किया और सुबह जब आंख खोलकर देखते हैं तो अरे सारे मथुरा के लोग द्वारका में थे। द्वारका कहाँ है? गुजरात में, और मथुरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उस महामाया की इतनी श्रेष्ठता थी कि वे सुरक्षित हो गए और कृष्ण भी निश्चिंत हो गए कि अब राक्षसों का अवरम मैं मथुरा जरासंध आदि को मैं देख लेता हूँ। और उन्होंने जरासंध आदि का कैसा मारा ये भागवत में उसकी कथाएं हैं, भीमसेन जी ने मारा है उनको, कैसा मरवाया, ये सारी बहुत बड़ी कहानियां हैं, वो बात अलग। लेकिन यह महामाया की वो श्रेष्ठता थी जिसके उपासक भगवान श्री कृष्ण भी थे और उन्होंने अपने जनता की रक्षा की थी। तब महामाया ने कहा कि इस यंत्र की जो अपने घर में रख के पूरा करता है वह अपने गांव का, अपने शहर का श्रेष्ठ राजा कहलाया जाएगा। जो इस मंत्र को करता है उसको राज्यपद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तब महामाया की इस आशीर्वाद से, उस यंत्र की कृपा से जो महामाया ने कृष्ण को दी थी, आज तक अगर मैं ठीक हूं, मैंने अगर झूठ नहीं कहता हूं तो यहां सभी आप लोग हैं तो आप लोग बताओ कि क्या यहाँ महामाया देवी का कोई यंत्र आज तक यहाँ किसी ने दिया है या आपने लिया है, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी लोग हैं, और आपको नवारणों मंत्र को छोड़कर किसी ने महामाया का मंत्र दिया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसे मुझे ढूंढने के लिए महामाया क्षेत्र को या इसकी महत्ता को देखने के लिए मुझे बहुत, एक प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें ढूंढनी पड़ी, पढ़ना पड़ा। जब मुझे इसका आनंद हुआ, कहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, छत्तीसगढ़ के लोग बताएं यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो उस जगन्नाथ जी के मंदिर के बाद यहाँ की स्थापना और महामाया के मंदिर क्षेत्रता की दिव्यता बड़ी। और जो इस महामाया छत्तीसगढ़ लोग हों, जितने भी राजा यहाँ हुए, जिन्होंने भी उस महामाया यंत्र को रहस्य के साथ अपने स्थापन किया, इसलिए छत्तीसगढ़ हुए यहाँ और 36 राजाएं अपना राज्य करते हुए जीवन बिताते थे। तो उस दिव्यता को, उस यंत्र की
तंत्र की श्रेष्ठता किसी ने किसी को नहीं बताई और वो उस मंत्र को भी किसी ने किसी को नहीं बताया। आज शुक्रवार का दिन है जो राक्षसों के गुरु शुक्र जी का वार है और आज माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज हम ऐसे ही महामाया के क्षेत्र में आए हैं और पहली बार महामाया का यंत्र और महामाया का मंत्र मैंने हम साधकों के लिए जो यहाँ आए हैं वे दिव्यता को प्राप्त करें। जो राज्य की प्राप्ति चाहते हैं, जो धन की प्राप्ति चाहते हैं, जो ऐश्वर्य चाहते हैं, उस निश्चित रूप से उस साधना को संपन्न करें और देखें कि मैं कभी अगली बार आऊं तो आप कहें कि हमने उस साधना को किया है। प्रभु हम गरीब नहीं है, हम दरिद्र नहीं है, हम दुखी नहीं है, ये बात आप कहें। मैं मानता हूं कि मैंने ये साधना और यंत्र श्रेष्ठता के साथ आपको प्रदान किया है। मैं पहले गुरुपद का सिद्धि दिवस का वह आज की विशेषता की पादुकाओं का पूजन आपके साथ संपन्न करूंगा। उसके बाद उस महामाया मंत्र को और उस महामाया यंत्र को केवल क्योंकि वह रहस्यमय है पूछने पर ही दूंगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं कि महामाया हम दिव्यता का जीवन चाहते हैं, हमारे घर में सुख शांति चाहते हैं, धन ऐश्वर्य चाहते हैं, हम एक प्रकार की श्रेष्ठता चाहते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं वही लोगों को यंत्र मिलेगा महामाया का। उससे पहले हम गुरुपाद का सिद्धि दिवस है, कहते हैं कि सायं समय में ही गुरुपादुकाओं का पूजन करना चाहिए। सुबह से हम जितना भी हो सके हमारे से स्नान आदि से शुद्ध होकर आकर सफेद वस्त्र पहनकर गुरुपादुकाओं का आज पूजन कर जो अपने घर में गुरुपादुकाओं की स्थापना करता है उसको हर वर्ष उस गुरुपादुका को इन गुरुपादुका सिद्धि दिवस के दिन जो उसी मंत्र के साथ पूजा करता है उसके घर में गुरु की स्थापना निश्चित रूप से होती ही है, ऐसा कहा गया है। अभी मैं आपको एक 15 मिनट का समय देता हूं। जिनके पास गुरुपादुकाएं नहीं है या गुरुपादुका यंत्र नहीं है वो सब ला लें और मेरे साथ गुरुपादुकाओं का पूजन संपन्न करें और अपने घर में गुरुपादुकाओं को आज के दिन मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया को स्थापन करें और वो सिद्धि प्राप्त करें कि तुम्हारे घर में गुरु जी का वास है, ये आप अनुभव करें। ऐसे ही इच्छा रखता हुआ पहले गुरुपादुकाओं का मंत्र और साधना आपके साथ करवाऊंगा, मैं भी आपके साथ करूंगा। आप सभी लोगों को 15 मिनट का समय देता हूं गुरुपादुकाओं के यंत्र ला ले, तब तक मैं यहां तैयारी करता हूं। पहले गुरुपादुका सिद्धि दिवस की पूजा और मंत्र उच्चारण और साधना संपन्न होगी। आप सभी लोग तब तक पांच माला गुरु मंत्र जप करें, जो कर रहे हैं पांच माला गुरु मंत्र जप करें और उसके बाद गुरु पादुकाओं को लाकर आपके सामने रख लें और उस पादुकाओं की पूजा करें जो आपके घर में स्थापना करना चाहते हैं। मैं पुनः आशीर्वाद देता हूं। आपने सभी लोगों ने तो गुरु मंत्र दीक्षा ली ही होगी, नहीं लिए हैं तो मैं गुरु पूजन करते समय आपको गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान करूंगा। आशीर्वाद देता हूं कि आप गुरुमय हो, गुरुजी आपके गुरुजी का आपके घर में वास हो और आप जो भी साधना करते हैं उस साधना की श्रेष्ठता आपको प्राप्त हो। ऐसा ही हम आज के दिन यहाँ जब आप आए हैं तो इसकी विशिष्टता आप प्राप्त करें। मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ। गुरुपादुकाओं का पूजन का विधान यहाँ आपके सामने बैठकर ही मैं संपन्न करूंगा, आप मेरे साथ संपन्न करें। आचम्य प्राणायाम्य ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पूर्णभद्रः, ओम दामोदराय नमः, ओम संग्रहणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम दहोक्षाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। प्राणायाम प्रणव से ब्रह्मषे परमात्मा देवता देवी गायत्री छंद प्राणायाम नियोग प्राणायाम कीजिए। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम यो देवः सवितास्माकं धियो धर्माधिगोचरे प्रेरयतस्य तद्भर्गस्तत्वरेण्यमुपास्महे। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सर्वं श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। आत्म चावल लीजिए। ओम सुमुखश्चैक दन्तश्चैक बिलोगजगृणकाः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशमनाधिपः धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो बालचन्द्र गजाननः द्वादशेतानि नामानि पठति स्मयादिभिः समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे चंदन मुखवासार्थे तांबूल पूर्वक दक्षिणान् समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिः गुरु देवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन पूर्वाराधनेन पयादि पञ्चामृताभिषेकाख्येन कर्मणा श्री सद्गुरुदेवताभ्यः प्रियतान्नं मम प्रियतो वरदो भवतु। तत्सत् श्री सद्गुरुदेवतार्पणमस्तु।
उत्तरे निर्माल्यं विश्रस्य अभिषेकं कुर्याद। हरि ओम ओम सहस्र शीर्षापृष्ठ सहस्राक्ष सहस्रपाद त्रिभुवनं सभूमिं विश्वदौर्ध्वात्यधिष्ठदेहाङ्गुलं पुरुषैः वेदकं सर्वं यद्भूतमेच्छमव्यं ताम्रतत्त्वशेषाः इदन्नेनाधिरोहते एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः आदोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यां द्वन्द्वे त्रिपादोर्भोदयेत् पुरुषः पादोऽस्य भवात्मनः ततो विश्वं जग्रामः शासनानि शनियभि तस्मात् प्रजातविराजोऽस्य पुरुषः स जातोऽत्यर्षराः ग्राम्याश्चे चंद्रमानसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं शीर्षणोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दि श्रोत्र लोकाकल्पेन श्री सद्गुरुवे नमः। महाभिषेक स्नानं समर्पयामि। अभिषेक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं ओम आपोहिष्ठाम योग स्नानं ऊर्जे ददाता मने अर्णाय चक्षते योग शिवतमो सस्तस्य वायदेनः उषतेरिव मात्रः तस्मारं नमामो शक्यादिवता आपो जनयता जनः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अभिषेक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। सुप्रतिष्ठितमस्तु। सभी लोग ध्यान से सुने। यह मंत्र ही गुरुपादुकाओं का विशेष मंत्र है, जो सिद्धाश्रम में भी गुरुपादुकाओं पर इस मंत्र को करते हैं। तो आपको अपनी पादुकाएं सामने रखकर इस मंत्र को पांच मालाएं करना है। चार की पांच, चार मालाएं करना है। मंत्र मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलो। सह प्रेम हसक्ष माला वर यूम। सह प्रेम हसक्ष माला वर यूं। सह प्रेम हसक्ष मालावर यूं। आपके पादुकाओं के सामने इस मंत्र को करने के बाद क्या करना है मैं बाद में बोलता हूँ। पहले पादुकाओं का चार बार नमन जप करें। आपके पास जहाँ बैठे वहीं बैठे रहें। जो गुरुजी ने अपने चरणों में पहनकर पादुकाएं दी थी, मैंने हैदराबाद से लाई हैं। अब इन पादुकाओं को आप जप करते समय आपके सर पे रखते हुए आगे बढ़ेंगे। दीवान जी किसी साधक को बोलो कि सभी के सर पर ये ओरिजिनल पादुकाओं को जो गुरुजी के हैं उनके पादुकाओं को सर पर रखते, आप भी सर पे रख लो और सभी के सर पे रख देते हुए जाइए।
अब आपको कर्तव्य है जो जप कर रहे हैं सभी के सर पे रखते हुए लाइन से जाओ सभी को इन पादुकाओं को जो लोग मंत्र जप नहीं कर रहे हैं वे गुरु मंत्र जप करके भी इसमें इन पादुकाओं को आपके सर पे रख लो ताकि आपको गुरु जी की पूर्ण शक्ति आपके शरीर में समाहित हो। आपके पास ही पादुकाएं आ रहे हैं आपके सर पे रख लेते हुए रखते हुए जाएंगे। जो मंत्र कर रहे हैं वो लोग मंत्र करें नहीं तो जिनको मंत्र नहीं आता है वो लोग गुरु मंत्र जप कर लें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को यहाँ आया हूँ महामाया के इस मंदिर क्षेत्र में तो एक बात जरूर बता देता हूँ। अपने घर में गुरु की स्थापना हो गई और हमने गुरु पादुकाओं को रखा। हमारे से रोज पूजा होती है या नहीं होती है रोज मंत्र होता है या नहीं होता है बहुत सारे लोग तंत्र भाषा से पीड़ित भी रहते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारे को गुरु मंत्र जप ही नहीं होता गुरु की पूजा करने जाते हैं पूजा नहीं होता मन नहीं लगता या फिर घर में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं। इसलिए मैंने इस बार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर गुरु रक्षा कवच मैंने तैयार किया है। जो लोग अनुभव करते हैं कि हमारे घर में तंत्र बाधा है और तंत्र बाधा रहने के कारण हमारे घर में कार्य नहीं होते या पति पत्नी में मनमुटाव है बच्चे नहीं पढ़ते बच्चों को सक्सेस नहीं मिलता या कार्य में व्यापार में नहीं मिलता वो लोग गुरु रक्षा कवच धारण करें जो एक वर्ष तक आपके गले में धारण करके रहने से आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती और किसी प्रकार का मन में भेदभाव आना या गुरु मंत्र के गुरु के प्रति निष्ठा कम होना या गुरु के प्रति अपना अपनी भावना कम होना अपने को आध्यात्म में मन नहीं लगना ऐसे लोग समझते हैं। वो लोग अपने बच्चों के लिए अपने पति अगर कोई पिता है और घर में बहुत ही अशांति रहती है ऐसे लोग जो आपको शत्रु अकारण ही सताते हैं ऐसे लोग ऐसे समय में जो गुरु रक्षा कवच अपने घर में धारण करते हैं उनको यह बाधाएं नहीं होती। और इस गुरु रक्षा कवच को एक मंत्र एक साल तक धारण करके अपने घर में अपने बच्चों को भी अपनी पत्नियों को भी धारण करने के लिए एक एक वर्ष तक दे सकते हैं। जब तक यह है आपकी चित्त में गुरु के प्रति हीन भावना आना या आध्यात्म के प्रति हीन भावना आना या हम कोई गलतियां करते कर बैठना जिससे घर में सुख शांति ना हो अगर गुरु रक्षा कवच हो तो हमारे से गलतियां नहीं होती और गलतियां नहीं होने से हमारे में सुख शांति नहीं जाती। तो इस गुरु रक्षा कवच को भी हमने इस बार तैयार किया है क्योंकि बहुत दिनों के बाद शायद मैं समझता हूँ 12 साल के बाद गुरु रक्षा कवच पहली बार यहाँ महामाया मंदिर के क्षेत्र में मैंने गुरु रक्षा कवच किया है। जो लोग गुरु रक्षा कवच ला ले मैं गुरु रक्षा कवच का स्तोत्र मैं स्वयं आपको पढ़कर उस रक्षा कवच को आपके हृदय में स्थापित करता हूं ताकि आपके घर में किसी प्रकार आपके बच्चों के लिए भी आप ले सकते हैं आपके लिए भी आपके परिवार में कोई बीमार है उसकी बीमारी कम नहीं होती या कोई उसके उसके जीवन में सक्सेस नहीं होता उसके जीवन में सफलता नहीं है परीक्षा है नहीं पड़ता तो ऐसे समय में इस गुरु रक्षा कवच को धारण करना श्रेष्ठता कही गई है। नंबर एक। नंबर दो, आपसे ये कहता हूं कि मैंने जैसे आज कहा केवल वो लोग जो लोग महामाया से ये प्रार्थना करते कि माँ इस संसार में मेरे घर में स्त्रियों को आदि दूसरे आक्रांताओं के कारण आक्रमण करने वालों के कारण कुछ भी मेरे घर में अशांति ना हो झगड़े ना हो अगर आपको आपके घर के बगल में रहने वाले या फिर खेतों में बगल में रहने वाले कोई देते हैं और कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिससे उस शत्रुओं का आपके ऊपर हावी होना अन्याय हो रहा है आपके ऊपर ऐसे समय में महामाया यंत्र बहुत अच्छी तरह काम करता है और जिसको राज्य की कांक्षा है उसको केवल उन्हीं को यंत्र जो लेते हैं उन्हीं को महामाया मंत्र दूंगा। जैसे आजकल राजा किसको कहा जाता है पंच हो सरपंच हो एमएलए हो मिनिस्टर हो एमपी हो इन सभी को कहा जाता है। महामाया ने राजा को राज्य में शांति बनाने के लिए और राज्य प्राप्ति के लिए ही महामाया का यंत्र तैयार किया था और ऐसा यंत्र आज तक नहीं हुआ। आप यहाँ के पुजारियों को भी पूछ सकते हैं कि क्या महामाया का यंत्र नवारणों मंत्र से हटकर है क्या वो कहेंगे नहीं। और उस महामाया यंत्र को मैंने उस मंत्र के साथ माता की कृपा से सद्गुरुदेव की कृपा से वो यंत्र तैयार किया है। जो राजनीति में प्रवेश रखते हैं जो कोई अपने
घर में एक तरह की श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कामों में यश, अपने नौकरी में यश कर प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में कोई बाधाएं नहीं चाहते हैं, वो लोग भी महा माया यंत्र को अपने पास रखें, लेकिन प्रार्थना करने पर ही दिया जाएगा, तब तक नहीं दिया जाएगा। और अब जिनका मंत्र हो गया है, वो लोग वो 16 सुपारियों को गुरु पादुकाओं के साथ उस पीले कपड़े में बांध रहे और मेरे पास आए, उन्हें मैं शक्तिपात दीक्षा देता हूँ। लाइन से आए उन सारे 16 सुपारियों को गुरु पादुकाओं को उस पीले कपड़े में बांध दें और वो बांध लेकर पोटली लेकर मेरे पास आए, मैं दीक्षा प्रदान करता हूँ। इसलिए मैं यह आपको बता कर रहा हूँ कि आपके अध्यात्म जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई या अड़चन ना आए। आप सब लोग जैसे ही मैं दीक्षा दे रहा हूँ तब मेरे आंखों में देखें और वहीं से सीधे अपने जगह पर आकर बैठे जहाँ है, आपके पास गुरुपालताओं को पास में सामने रखें। आप लोग मैं जब कवच पढ़ता हूँ तो मेरे आंखों में देखें और आप कवच को आपके दाहिने हाथ में रख लें। इस कवच का धारण करने का अर्थ यह है कि आपको गुरु कार्य करने में कोई दिक्कत ना आए, आपके सर्व कार्यों में सिद्धि हो और आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र बाधा कोई ना हो, कोई आपका शत्रु भी आपका मित्र बन जाए, आपको कोई सता रहे हैं घर के बगल वाले लोग खेतों में वगैरह, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके ऑफिस में, आपको ठीक तरीके से नहीं होता, तो अनुकूलता प्राप्त करने के लिए गुरु कवच से श्रेष्ठ बढ़कर कुछ नहीं है। जिन लोगों ने गुरु कवच लिया है और लोग अपने दाहिने हाथ में गुरु कवच पढ़ ले, मैं जब गुरु कवच पढ़ रहा हूँ मेरे आंखों में मेरे तरफ देखते रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। श्री सिद्ध मानव मुखा गुरु स्वरूपम संसारदाह शमनम द्विभुजम त्रिनेत्रम वामांक शक्ति सकला भरणेर विभूषम ध्याये जपे सकल सिद्धि फलप्रदं च गुरु देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानम समर्पयामि। आप मन में ऐसा मान लो कि आप गुरु जी की पूजा कर रहे हैं। लम प्रतिगत्वात्म गंधन तन्मात्रकम् प्रतिगत्वात्म गंधम शक्तिकाय श्री गुरुवे समर्पयामि नमः। ओम आकाशात्मकम् शब्द तन्मात्र प्रतिगत्वात्म पुष्पम शक्तिकाय श्री गुरुवे समर्पयामि नमः। यम वायुवात्मकम् स्पर्श तन्मात्र प्रतिगत्वात्म धूपम शक्तिकाय श्री गुरुवे समर्पयामि नमः। ओम रम वन्यात्मकम् रूपतंत्र प्रतिगत्वात्म देवम शक्तिकाय श्री गुरुवे समर्पयामि नमः। ओम अमृतात्मकम् रस तन्मात्र प्रतिगत्वात्मकम् नैवेद्यम शक्तिकाय श्री गुरुवे समर्पयामि नमः। सम सर्वात्मकाम् ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजाम् शक्तिकाय श्री गुरुवे समर्पयामि नमः। अब कवच का पाठ कर रहा हूँ। ओम नमः सच्चिदानंद नाथाय तु शिखायाम् पातु मे सदा, निखिलेश्वरानंद नाथ शिरो मे रक्षे सदा, पराशक्ति दिव्यनाथ दिव्यानंद नाथो भाले च रक्षतु, कामेश्वरानंद नाथो मुखम रक्षतु सर्वदृक्, दिव्यो गो मस्तकम् देवी पातु सर्वश्र सदा, कंठाधिनाभि पर्यन्तम् सिद्धो गा गुरुप्रिय, भोगानंद नाथ गुरु पातु दक्षिण बाहुकम् समयानंद नाथाश्च संततम् हृदये अवतु, सजानंद नाथाश्च कटिनाभिम् च रक्षतु, एष स्थाने सिद्धौघा रक्षन्तु गुरवः सदा, अधरे मानवौ मानवौघश्च गुरवे गुरुनायके, गगनानंद नाथाश्च गुल्फयो पातु सर्वदा, नीलौघानंद नाथ रक्षे पातु स्वात्मानंद नाथ गुरु पादांगुलिः रक्षतु, कंद कंदोरानंद नाथाश्च रक्षेत् पादतले सदा, इत्येवं मानवौघश्च निसेनाद्भ्यादि पादयोः, गुरुर्मे रक्षेत् गुर्व्यं निसल्ले परमो गुरुः, परम पर गुरु गुरुर्वहनो रक्षेत् शिववल्लभे, परमेष्ठ गुरुवैश्च रक्षेत् वायुमंडले, शिवादि गुरुः साक्षात् आकाशे रक्षेत् सदा, इंद्रो गुरुपाद पूर्वे अग्नियां गुरु अग्नियां
गुरुरग्नया दक्ष यमो गुरुपादो नैऋत्याम निरति गुरुः वरुणो गुरु पश्चिमे वायव्या मारुतो गुरुः उत्तरे धनुः पातु ईशान्याम ईश्वरो गुरुः ऊर्ध्वं पातु गुरुर्ब्रह्मानन्दो गुरुपितः एवं दशदश पातु इन्द्र इन्द्रादि गुरुवक्रमात् शिरस पाद पर्यन्तं पान्तु दिव्यो सिद्धयः मानव भाष गुरुवो व्यापकं व्यान्तु सर्वदा सर्वत्र गुरुरूपेण संरक्षय साधकत्वम् आत्मानं गुरुरूपं च ध्यायेत् मन्त्रं सदा वायुः आप रक्षा धारण कर लो। इत्येवं गुरुकवचं ब्रह्मलोकोऽपि दुर्लभं तोऽप्यत्या मया ख्यातं न कस्य कथितं प्रिये पूजाकाले प्रयज्ञेषु जपकाले विशेषतः त्रैलोक्य दुर्लभं देवी भक्तिमुक्तिप्रदं सर्वमन्त्रफलं तस्य सर्वयन्त्रफलं तथा सर्वतीर्थफलं देवी जपते कवचं गुरु अष्टगन्धेन ऊर्जभुज लिख्यं चक्रसंयुतं कवचं गृढपङ्क्तेन भक्त्या च शुभवासरे पूजये धूपदीपादि सुधाविसहितसंयुतैः सर्प गुरुमन्त्रेण साधकशुद्धचेतसा धारयेत् कवचं देवी इहमूभूतभयापं पठेन मंत्र कालं मुक्तो भव बंदनात् एवं गोचं परम दिव्य सिद्धौ कलावान् इति पुरस्तरण सर्वस्त्रासे द्वितीय प्रश्न दशम पटले ईश्वरी देवी संवाद श्री गुरु गोचं संपूर्ण हो सके तो गुरु का गुरु कवच आपको दिया गया है। इसका 21 दिन तक रोज एक बार पाठ करो अच्छा रहेगा। नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं तो अच्छा है। गुरु कवच दिया गया है। अब सब लोग बैठ जाओ और केवल महामाया यंत्र जो लिए वो लोग खड़े रहे। महामाया यंत्र जिन्होंने लिया है वो लोग खड़े रहे। उसके बाद मंत्र बोलने के बाद उस जो आपके पास उसमें माला है उसको धारण करो और यंत्र को आपके घर में पूजा स्थान में आपके जेब में और आपके घर में रखने से निश्चित रूप से यहाँ जो महामाया माता जी है जिनकी जो महालक्ष्मी महासती महाकाली के रूप में यहाँ है उस माता जी की कृपा निश्चित रूप से आप पर होगी और इस क्षेत्र की महिमा का ज्ञान होगा, इस क्षेत्र की श्रेष्ठता का ज्ञान होगा। इस श्रेष्ठता में आप राजा बन सकोगे। राजा का अर्थ होता है हम नौकरी में है तो अच्छे पद पर रहेंगे, हम गांव में राजनीति करें तो राजनीति के पद पर आएंगे, हम नौ व्यापार करें तो व्यापार में अच्छी उच्च स्थिति में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इसको इस मैं महामाया अष्टक को पढ़ रहा हूँ। आप यंत्र को सामने यंत्र और माला को दाहिने हाथ में रख लें और जो गुटिका है महामाया पूर्ण अष्टक पढ़ने के बाद आप जब घर जाओगे तब आपके ऊपर से गुटिका को तीन बार घुमाकर दक्षिण दिशा को फेंक दो और यंत्र को आपके पास रख लेना है। माला को अभी धारण करना है महामाया अष्टक और मंत्र बोलने के बाद श्री महामाया देवी स्थिति अथानंदमयीं देवीं शब्द ब्रह्म स्वरूपिणीं यह सकलमा संपत्ते जगत कारणम् अंबिकाम् माया महामाया देवी ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आद्यामशेषमरविन्दयोनि विष्णो ऋष्वस्य च प्रतिपादयन्ति सुष्ठुस्थिते क्षयकरीं जगतां त्रयाणां चित्वा गिरं विमलयाम्यहम्बिके त्वां कृत्वा जलेन शिखिनामृताम्बेख होत्रेन्दुना दिनकरेण चतुर्मूर्तिभाजः देवस्य मन्मथपरिपरोऽपि शक्तिशक्ता हेतुस्तोमेव खलु पर्वतराजपुत्री त्रिस्तोत्तसह सकलोकसमाचिताय वैशिष्ट्यकारणमवयं तदेव मातः तत्पादपङ्कजं परावचित्रसुताशम्भोजटा शतम परिवर्तन यद आनंदे तो आनंदे कुंदिनी मधीपकारम नान्या मिनहा कमलिनी स्मथ नेतनांक एकस्य मोदन विधो परमेक इष्टे तदु प्रपंच मधी नंद नंद यसि सदृष्ट्या अद्या विशेष रक्ताम नव यौवनासि शैलाधि राजतन्या अप्यति कोमला अपि त्रया प्रसुपि तयान समीक्षितासि देया असि गौरी मनोसन पै प्रतिष्ठितासि आसाद्य जन मनुजेषु चिरार द्रापम तत्रापि पाटवमश्व पश्य निरेन्द्रियाणां जगताम जननी निश्रेणी काकर मधीकर पुनः पतन्ति कर्पूर चूर्ण हिमारी विलोलित यंदन कसुम कुसुमश्च सुजात गंधि आराधयन्ति भवानी समुच्चका स्वान्ते कल्वशेष भुनाधि प्रतन्ते अविश्य मध्य पदवीं प्रेमे सरोजे सुता हिराज सदृशि निश्चय विश्व विद्युल्लता विलय विभ्रम उद्वहन्ति पद्मनि पद्म पंच विदले खमश्व दुष्मा तन्निर्गतां प्रदर्शयिषिक्त गात्री मार्गेण ते निलयं पुनरप्यवाता येषां स्फुरसि जात न ते भवेषु मातर महेश्वरी कुटुंबिनी गर्भ भाजा आलम्बी कुंडल भराम भीराम वक्ता मपि मणिवर मपि वरस्तन तटिम तनुवृत्त मध्याम चिंताक्ष सूत्र कलशा लिखिता हृदयस्था मातर याम यमस्या तव गौरी मूर्ति अस्था योगम वजित्य च वैरिष्टकम मां बद्ध चेन्द्रिय छंगणम मनसि प्रसन्ने पाशांकुशाभय वराढ्य क्राम सुरक्ता मालोकद्वी कथ मालोक भेन्दि भुवनेश्वरी योगी योगी त्वाम उत्तप्त हाटक विभाग ऋषि कृभिश्चित्रभि रावृत्तिदाताम घटैराभिषिच्य माना
हस्तद्वयेन रुचिरे नालिने वहन्ति पद्मापि साभयवरा भवसि स्मयो अष्टाभिर्ग्रविधा इद वाहिनीभिः दोर्दो वल्लरीभिर्दोर्जे मृगाधिराजम् दुर्वादलोदिरादिग्रम्यर्थ विवक्षा पक्षान्यकुर्वति तमसाय देवि भवानि दुर्गा। आविर्निदाद जल शिखर शोभिवक्त्राम गुप्ता गुणेन परिकल्पित हारमाष्टिम पंत्रांशुकमासित कांति मनंग मंत्रा माद्याम पुलिंद तरणी मशकृत स्मरामि हंसे कणिक दूरकृष्टे मृत्ये रिवाट वचने गुणनुगम्य मानो पद्मा विवर्ध मुख मुखारुड सुजात जालो श्रीकंठ पद्म शिरसे उदधे तवांग्रिम या त्वाभ्याम समीक्षित मातृ मातृत्वम तेव दृभ्या उत्पाद फलनेन शिकेतनेन सन्द्रा सान्द्रानुगा अनुराग तरलेन क्षमाणे उज्जंघे उभे अभी भवानी तवान तो अस्मि उरु स्मरामि कृतः हस्ति कराल करावलेपोस्त्य स्तौतेन पंडितस्य पंडुरतया परिभूत रश्मो सोणी भरस्य सानो परिकल्पय दत्तो स्तंभया विनाम वयासतव मध्ये नेज सव्यो स्तनोज युगपत प्राथम प्रथपि प्रदेश चौते जवर वाल्या प्रेण वयमा परिकृष्ट सारः रोमावलिचल विसतेन विभाव्य मूर्ति मध्यस्थो स्मृतमे हृदयस्थ मध्ये सख्यु स्मरस्य हरनेत्र हृताश वीरोर् लामण्यवारि नव यौवन अषाधतम फलबल मध प्रदर्शन नाविकदापिदेन विस्मरे ईशापे गृह पिशुनम भस्ति दधाने कश्मीर कर्दभमु स्तन पंकजे स्थानो अतित कर्णक्ष क्षण लब्धवेनो सिंधुरितो स्वरस्त समदस्य कुंभो कंठातिरिक्त गल दुर्जल कांतिधारा रोभो भुजौ निज निज रूपो और मरकर ध्वजेन कंठाग्रहरिष्टो किल दर्शन दीर्थ पार्शो मातर्मय स्मृति पथम विलंग्य देथा ुचिरकुव्यासलासचौर्य भूषावरण विधेन विराजमान कंठम मनोहर गुण गिरीजकन्या संचित्य तृप्ति उपयाम कदापि नाहम अत्यायताक्षमलराटपटनम मंदस्म चैन दुर्बुलरेखम बिंबाद्रम वदनम उन्नत दीर्घमासम यस्ते स्मरस्त सकुलदेव स एव जात अविस्तुषार करलेख वन मल अल्पगंधम पुष्पोपरिभ्रमद लज्जि वज्र निर्वेशम यशेतसयाकलेकेतव केशपाशं तस्य स्वयं गलति देवी पुराण पाशा श्रुति सुचरितं पाकधीमतां स्तोत्रमेतत् पठतीह यह मध्योर्नित्यमात्रान्तर्मा क्षिप्तं गुणलक्ष्मी लक्ष्मणा लक्षणानां तिरायुः। इस स्तोत्र को भगवान श्री कृष्ण ने महामाया के प्रति कहा था कि महामाया से कहा था कि मैंने मेरे जीवन में बहुत गलतियां की है माँ, इस स्तोत्र को मैं एक बार तेरे सामने पढ़ लूं और अगर आपके बोलते कुमड़ा या नारियल का बलि मंगलवार के दिन ये स्तोत्र पढ़कर देते हैं तो आपका कितना कठिन भी कार्य हो वो कार्य निश्चित रूप से होता है। कृष्ण ने कहा है कि मेरे पे संकट आया था तो मैंने महामाया के सामने ये स्तोत्र पाठ किया था और मैं स्तोत्र पाठ करते ही क्षण में महामाया ने मेरी मेरे संकट को दूर किया था। मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस महामाया यंत्र को आपके पास रख लो, अभी मैंने पढ़ा है, अभी मैं मंत्र पढ़ूंगा, मंत्र पढ़ने के बाद माला को धारण कर लो, गुटिका को घर को जाने के बाद आप 3 बार घुमाकर दक्षिण दिशा को डाल दो और यंत्र को जितना हो सके पूजा स्थान में रखो या आपके जेब में कोई संकट काल में जाते समय आपके पास रख लेना चाहिए, माला धारण कर लो। आपको जो महामाया यंत्र दिया है उसके ऊपर चौकी पर रखकर कोई लाल फूल चढ़ाकर इस मंत्र को अगर 11 माला मंत्र जब करते हैं तो आपकी निश्चित रूप से इच्छा पूर्ण होती है। मंत्र इस प्रकार है, मेरे साथ बोलो जिन्होंने महामाया यंत्र लिया है, बोलो ओम महामायाम हरेश्चैषा हरे चैषा ततया सम्मोहते जगत् ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलाद् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। हे माँ तू हमको मोह और माया में डालती हो, लेकिन मोह माया में जिसे डालती हो इसका उद्धार भी तू ही करते जा, क्योंकि हम मोह माया में पड़े हुए हम इसमें ही डूब कर रह जाते हैं, न हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं न वीरता को प्राप्त करते हैं, हमको इस मोह माया में डाल, लेकिन मोह माया से हमें उठा लेने की बात भी, मोह माया से दूर करने की बात भी, और आप सभी तरीके से हमारे को इसमें एक प्रकार की सहायता करने में भी आपकी सहायता हो। जो मनुष्य मोह माया में पड़ा वो अहंकारित हो जाता है, अहंकार होने के बाद अपना स्वयं का नाश
नाश चाहता है। माया तो डालेगी, भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मोहन तब हुआ जब मैं तेरी आराधना किया, मुझे सर्वसम्मोहन करने की विद्या मुझे कब प्राप्त हुई, जब मैंने तेरे स्तोत्र का तेरे मंत्र का पाठ किया। इस महामाया यंत्र के सामने अगर इस मंत्र की 11 माला करते हैं और महामाया अष्टक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हुई। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उनके जीवन में कोई गलतियां हो जाए, कुछ उनके जीवन में ऐसे हो जाए, तो कहते हैं कि इस अष्टक को, जिस अष्टक को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था और इस अष्टक को व्यास महर्षि ने कृष्ण के मुख से मुखारविंद से इस महामाया स्तोत्र को, अष्टक अगला अलग है, स्तोत्र मैंने आप जो पढ़ा है वो स्तोत्र है, उस स्तोत्र अगर सप्तशती पढ़ने वाले, दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले या नवचंडी हवन करने वाले अपने जीवन में कुछ गलतियां कर ले तो निश्चित महामाया, अगर हम चंडी हवन करके पैसे लेते हैं, चंडी हवन करके हमारे पास पैसे दे देते हैं या अन्नदान नहीं करते या पाठ करके भी उसका उसकी शांति नहीं करते, तो इस स्तोत्र का पाठ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने कुरुक्षेत्र में बहुत बहुत सारे ऐसे अन्याय किया कि बहुत किया माँ, उस महामाया उस मोह में पड़कर मैंने जो कुछ भी गलतियां की है, अच्छे अच्छे लोगों को, साधकों को, तपस्वियों को मैंने हरा दिया, मेरे कूटनीति के कारण हो, राजनीति के कारण हो और कुछ भी हो, युद्ध के क्षेत्र में मैंने उनको हरा दिया, उस पाप को निश्चित रूप से आप निकालने के लिए हे महामाया मैं आपके सामने इस कुष्मांड को बलि देता हुआ इस स्तोत्र का पाठ करता हूँ, मुझे उस पाप से निवृत्त कर दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यह स्तोत्र मैंने केवल मेरे लिए रखे रखा है, लेकिन जो स्तोत्र पाठ करते हैं उनको मैं कल दूंगा, जो महामाया के मंदिर में एक बार पाठ कर लें और यंत्र को आपके पास रख लें। मैंने फिर बताया है, माला को धारण कर लें, यंत्र को पूजा स्थान में रखें, जो मंत्र दिया है उसकी 11 माला करें, घर को जाने के बाद गुटिका को 3 बार घुमाकर आपके घर के दक्षिण की तरफ डाल दें। अभी सभी लोग बैठ जाएं, गुरु आरती होगी, समर्पण प्रस्तुति होगी, सभी लोग बैठो। Happy birthday to you, happy birthday to Guru Ji, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Guru Ji, happy birthday to you. पार दिल ये आए, पार पार दिल ये गाए, पार पार दिल ये आए, पार पार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी है पार दू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे कर लो इकरार यार का हमसे, पूछो जरा पूछो अंदाज प्यार का हमसे, तुम कर लो आज कर लो इकरार प्यार का हमसे, तुम आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है शरीर प्यार दिखलाया दिखलाने, कहो प्यार तुमसे, कहो प्यार तुमसे, कहो प्यार तुमसे, पार दिल ये आए, पार पार दिल ये गाए, पार पार दिल ये आए, पार पार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी आरती संपन्न होगी, ये बीच में थोड़ा रास्ता वै नंद श्री आनंद सादि संतत मृजावशर कृत्य नंद तेय संधीयते मृजावशीर एवं। जय गुरुदेव दया निधि दीन निहितकारी, जय जय मोह
मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हरे ओ जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी वेद पुराण बखानक वेद पुराण बखानक गुरु महिमा हरी ओ जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे प्रभु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे ओ जय 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 गुरुदेव नदी जल जीव बहे सारे नाम जहाज पिठा कर नाम जहाज पिठा कर गुरु पल में तारे ओम जय 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 गुरु नाम क्रोध मद मासर छोर बड़े हरी ज्ञान खड़क दे कर में ज्ञान खड़क दे कर में गुरु सब संग हारे ओम जय 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 गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गाए सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लाए ओम जय 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 गुरु चरणामृत निरमल सब पातक हारी वचन सुनत श्री गुरु के वचन सुनत श्री प्रभु के सब संशय हरे ओम जय 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 गुरुदेव मन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हित भारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हरे ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरुवात्म त्वमेवं ब्रह्मात्म विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धात्मो त्वं गुरुवं प्रणम्य अलिङ्गोताङ्गं वशीकरण तुर्यानि पाहि निरूप तुझे त्रिवेयालिङ्गन् आनन्दितो भावे उढावि मने नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव
सर्व देव देव काये न वाचा मनेन्द्रिये वा बुद्धात्मना वा प्रतिस्वभाव करोमि यत् सकलं परतमै नारायणेति समर्पयामि केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं पुष्पावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कर्पूर मंगल नीराजन शुद्धात्म रक्षाधार्यस प्रक्षा मंत्र पुष्पाजलि ओम यदेवासा धर्मा प्रथमासन्न देह नाग महिमान पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसय सायने नमो वयम वैश्रवाय कृमे समय कामान काम कामायम कामेश्वर विष्णुदा वे राज वैश्रवायाम महाराजाय नम स्वस्तिधाम राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराजमाधिपतिम समुद्र प्रिया ईशात सार्वभौमत् प्रार्थात पृथ्वी वै समुद्र प्रियंताय एकराळिति तदपेश श्लोको विगीत अमृत प्रवेष्टारो मृतस्य वसन गृहे आवीक्षते काम प्रिय विश्व देवा आज का जो शिविर आयोजन करने वाले दिनेश सौमित्र 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 दीवान और उनकी पत्नी का नाम सीमा दीवान, इन दोनों ने और उनके साथियों ने जो भी उनको सहायता किए हैं, ये जो विशिष्ट कार्य किया है उसके लिए वे प्रेम पात्र है। उसी के साथ आशीर्वाद के लायक भी हैं और उन्हें आशीर्वाद देना ही चाहिए। गुरुजी कहा करते थे कि इस संसार में तुम धन का दान दो खर्च हो जाएगा, वस्त्र का दान जो वस्त्र फट जाएगा, दूसरे कोई दान दो चला जाएगा, लेकिन शिविर एक ज्ञान दान है, ये कभी हटने वाला नहीं है। और जिसने शिविर किया उसके साथ पीढ़ियां नरक में नहीं जाएगी, ये गुरुजी का वचन था, मेरा नहीं।
गुरुजी कहा करते थे जिसने शिविर किया उसके साथ पीढ़ियां कभी नरक में नहीं जाएंगे और वे स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे और गुरु चरणों में ही जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है गुरुजी पहली बार मैंने जब शिविर किया था तो गुरुजी ने यही बात कही थी। जोशी बाकी सब दान चले जाता है लेकिन शिविर में जो ज्ञान मिलता है जो ज्ञान लेते हैं वो दान खर्च होने वाला नहीं है और जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। जितने लोग तुम लोगों को बोलेंगे उतनी मित्रता बढ़ेगी शत्रुता घटेगी इसलिए ज्ञान दान कहा गया है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि सौमित्र दीवान और उनकी पत्नी सीमा दीवान और उनके सभी फैमिली जो भी परिवारगण हैं जो भी भाई बंधु हैं और जो भी मित्रगण हैं जिन्होंने इसमें अपने मन से सहायता की है उन सभी को और विशेषतः दीवान जी को सौमित्र दीवान और उनके परिवार को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देता हूं कि वे सामर्थ्यवान बने और ऐसे ही कार्य गुरु कार्य करते रहें उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो वो जो चाहे उनका अच्छा कार्य सारे सिद्धि प्रद हो उनको सिद्धि प्राप्त करे महामाया उनके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें और उनकी इस क्षेत्र की जो उन्होंने ये कार्य किया है वो सराहनीय है और यहाँ सबसे जो लोग आए हैं वो पुण्य आनंद के साथ उन्होंने ये जो अनुभव किया है अकेले अपने दम पे करना शिविर ये बहुत बड़ी बात होती है और उन्हें ये करके बताया है इसलिए धन्यवाद के प्राप्त अधिकारी है और वैसे ही आशीर्वाद के अधिकारी। मैं पुनः उन्हें आशीर्वाद देता हूँ उनके परिवारजनों को कि वे ऐसे ही कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान हो धन दौलत पैसा सब कुछ उनके पास हो और वे ऐश्वर्यवान बने ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। क्यों कि आज का दिन एक श्रेष्ठ दिन है। थोड़ी सी एक दो मिनट लेता हूँ एक विशेषता की बात। विशुद्धानंद जी नाम के एक सिद्धाश्रम के योगी होके गए उनका आश्रम है विशुद्धानंद कानन काशी में। तो उनके पास एक बहुत बड़े साहूकार रोज आते थे और कहते थे कि प्रभु हमें दीक्षा दो। वे कहते थे कि टाल देते थे आज गुरुवार है आज रात हो गई कल सुबह आओ आज मैं तपस्या में हूँ साधना में उसको टालते जाते ऐसा टालते टालते छह महीने हो गए। लेकिन वो जब भी वो जो साहूकार आश्रम के बाहर आते देखते थे एक पिया हुआ पियक्कड़ बहुत जोर से पीते हुए आता था जोर से नमस्कार करता था नाली में गिर जाता था रोज यही काम उसका। और विशुद्धानंद जी रोज रात में गंगा के पास टहलने के लिए निकलते थे 10:30 तक। वो जब तक बाहर आते नहीं वो पिए पिया हुआ वैसे आदमी दिखता था। वो जब आए एकदम साष्टांग नमस्कार डालता था अरे क्या हुआ मुझे नहीं छीना मैं पिया हुआ। उसको एक दिन देखा कि वो नाले में गिर गया और उसके सर पे फट गया सब। तो उन्होंने कहा गुरुजी उसका सर फट गया है उसका देखा ऐसा सबने कहा। तो विशुद्धान जी बाहर आए अरे बोले वो तू किसी डॉक्टर के पास चला जा सब क्या प्रभु पीए वाले को क्या मार लगता है बोले कुछ मार नहीं लगता उसको इसका कोई प्रभाव भी नहीं होता उसके ऊपर। फिर दूसरे दिन वैसा ही आया आकर वैसा ही नमस्कार करने लगा। तो ये जो उसके साथ साहूकार थे प्रभु ऐसे लोगों को आप क्यों आने क्यों देते हो इसको नहीं आने के लिए कहो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं आने के लिए कहूँ तुम कहते हो तो मैं कह देता हूँ। उसने कहा अरे ये पी के रोज रोज आकर यहाँ तमाशा मत कर तू यहाँ नहीं आना। वो दूसरे दिन आया नाली में नहीं गिरा और वहां साष्टांग नमस्कार करते हुए कहा कि प्रभु आपने आज मुझे नहीं आने के लिए कहा है मैंने पीना छोड़ दिया है। अब ये भी बात कहता हूँ कि मैं अभी आज से पीऊंगा नहीं लेकिन एक बात कहो सारे नशे में मैं इतना पीता था वो नशा अलग था लेकिन बिना आपके पास है नहीं आगे जाता था क्योंकि इससे उस नशे से भी आपका नशा मुझे में बहुत छाया हुआ है। बस मैं उस नशे की धुन में रात के 10 हो 12 हो आपके पास आके जाता था। वो दूसरे दिन आया और दूसरे दिन नमस्कार करने गया तो देखते क्या है विशुद्धानंद जी पिया हुआ है। फिर बोले तेरे को अकल नहीं है कितनी बार बोलाऊ नहीं पीना चाहिए ऐसा पीने से तो ठीक नहीं होता तूने फिर पिया है प्रभु उस ये नशा पीता हूं तो ये नशा यहाँ का तक खींच लाता नहीं तो चल भी नहीं सकता इतना ये मेरी हालत है इसलिए पी के आता। विशुद्धानंद जी बोल के हंसे और चले गए। साहूकार बोले देखा आपकी बात भी नहीं मानता है। लेकिन हुआ ये एक दिन रात में विशुद्धानंद जी बाहर किसी कारणवश बुखार वगैरह आया था बाहर नहीं निकले 10 हो गए सुबह तक नहीं निकले और वो नाली में से पिया हुआ आया उसी गेट के पास वैसा ही पड़ा था। सुबह जब लोग आए तो देखते क्या है वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। बोले क्या है तो ऐसा पड़ा बोले हमारे नशे वाले गुरु नहीं आए वो नशा ने उतरा नहीं जब तक वो आएंगे नहीं यहाँ से मैं जाऊंगा नहीं। अरे वो रात से नहीं आए रात उनको बुखार था इसलिए नहीं आए। फिर आने दो ना मैं कहा बोल रहा हूँ मैं यहीं पड़ा हुआ। जब ये बात विशुद्धानंद जी को पता चली वो बाहर आए बाहर की क्या है तू छोड़ेगा नहीं ये सब।
तो बोले ये जो साहूकार आपके पास आते हैं ये किस लिए आते हैं? बोले इनको दीक्षा देंगे। दीक्षा का मतलब क्या होता है? बोले तो दीक्षा का मतलब होता है तेरी रक्षा करना, ज्ञान का ज्ञान को प्रदान करना। प्रभु इतने दिन से आ रहा हूँ, मैं कभी ज्ञान मांगा, कोई दीक्षा मांगा आपको? कुछ नहीं मांगा मैं, सिर्फ ये लोग जो मांगने के लिए आते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो आपके पास कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस आपका दर्शन हो जाए मैं चला जाऊंगा। जब तीसरे दिन आए साहूकार बैठा हुआ था और ऋषिधान जी उसकी राह देख रही थी कि वो पी के कब आएगा। वह पी के आया और वहां गिरने ही वाला था तो ऋषिधान जी अपने शिष्यों से कहा उसको लेके आओ, उसको लेके आए। बोले गुरु जी वो पी के बहुत बड़ा हुआ है, पी के है वो, उसको कैसा? बोले तू लेके आओ। आए साहूकार बाजू में खड़ा था जो करोड़पति है और 6 महीने से घूम रहा था, और ऋषिधानंद जी ने उस पियक्कड़ को दीक्षा दी और कहा तू आज से नहीं पिएगा, ये मेरा वादा है। और उस दिन जिस दिन आया वो चरणों में उनका चरण पकड़ लिया, दीक्षा जैसे ही दिया कहते हैं कि वो उनके चरणों में वहीं प्राण छोड़ दिया। उस दिन गुरुपाल का स्थिति दिवस था और उस गुरु ने कहा कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गया, इसको इसकी आज तक की तपस्या आज सिद्ध हुई। कहते हैं कि इस दिन जो गुरु चरणों में अपना सर झुकाए, अपने अपना सब कुछ समर्पित कर दे, उसका उद्धार हो गया। आज मैं सौमित्र दीवान को और उनकी पत्नी को जिन्होंने समर्पण भाव से यह सब किया है उनका भी उद्धार हो जाए, वो हर घर की इच्छा पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। और आप सभी को भी आशीर्वाद देता हूँ कि आप ज्ञान प्राप्त करें, साधनाएं करें, बिना साधना के उद्धार नहीं होता। जैसे अगर पेड़ लगाते हो इसमें श्रेष्ठता नहीं है, पेड़ को पानी डालकर पाल कर फल आए तक पालने की जरूरत, और इसकी आशा भी नहीं करना कि पेड़ के फल मैं खाऊंगा। आप पेड़ लगाते हो तो उसके पशु पक्षी बैठेंगे, वो छायादार वृक्ष पे उस छाया के नीचे बहुत सारे लोग आएंगे, आपके फल आप नहीं तो आपके घर वाले खाएंगे। साधना एक उस वृक्ष के समान है जो फल वाला वृक्ष है, आप आज साधना करेंगे तो उसका फल आपकी पीढ़ी को निश्चित रूप से मिलेगा, आपकी पीढ़ी को उद्धार होगा। यह ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करें। एक बार जय घोष करेंगे और यहाँ समापन करेंगे आज के शिविर का। सभी को फिर भी आशीर्वाद देता हूँ, गुरु कृपा आपको प्राप्त हो, आपकी सभी शिक्षा पूर्ण हो। बोले परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय, वंदनीय माता जी की जय, गुरुपुत्र गुरुदेव की जय, समस्त सिद्धाश्रम की जय, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की जय। बोलो हर हर महादेव। आप सभी को आशीर्वाद है, यहाँ तक समापन करता हूँ।